वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच था एंड एज एक्सपेक्टेड सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत ही जायंट टोटल लगाया बोर्ड पे एंड खैर स्टार्ट उन्होंने लिया। दैट वाज सो मच ट्रेमेंडस। मुझे तो लग रहा है भाई 300 प्लस कर लेंगे ये लोग, बिकॉज आई थिंक इन पावर प्ले ही वो 127 फॉर नो लॉस थे। इन पावर प्ले यानी अंडर सिक्स ओवर्स दे वर 127 फॉर नन। सो मुझे डेफिनेटली लग रहा था। और खैर लास्ट टाइम भी उन्होंने शायद इसी तरीके की बात की थी कि भाई हम वी आर थिंकिंग अबाउट टू स्कोर 300। सो लग रहा था कि भाई आज ये हो जाएगा, बट जिस तरीके से कम बैक किया कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल वगैरह ने, कुलदीप यादव ने बैक टू बैक विकेट ली एंड इस हाई स्कोरिंग मैच में ही जस्ट मतलब है कि उन्होंने 4 विकेटों को अपने नाम किया। बट एक काफ़ी ज़्यादा तो एक्सपेंसिव रहे, बट स्टिल है कि विकेट्स उन्होंने है के ली एंड व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड द मोस्ट उन्होंने विकेट ली एंड ट्रेविस हेड की उन्होंने विकेट ली। सो दैट वाज ट्रेमेंडस। एंड है कि अक्षर पटेल ने भी उनका अच्छे तरीके से साथ दिया एंड वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहे। ऑल्सो इतनी ज़्यादा उनको विकेट नहीं मिली, जस्ट एक विकेट मिली, बट ही वॉज सो इकोनॉमिकल इन दिस हाई स्कोरिंग मैच एंड आई थिंक ही वॉज द मेन रीज़न। ही एंड जो और दूसरे बॉलर थे जिन्होंने अच्छा कंटेन किया, ही द मेन रीज़न कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद क्रॉस नहीं कर सके, यानी अपना ही जो टोटल 178 तक का शायद था वो नहीं ब्रेक किया उन्होंने। वरना तो खैर लग रहा था कि आज वो अपना एक और रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देंगे एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर वो आने वाले दिनों में आने वाले जो मैचेस हैं उनमें अपना ये जो रिकॉर्ड है या 300 जो है वो क्रॉस नहीं करते। तो आई वुड मैं सरप्राइज होंगी अगर उन्होंने नहीं क्रॉस किया तो, बिकॉज जो उनका माइंड सेट है वही बात है कि ऑजी माइंड सेट है, कैप्टन पैट कमिंस हैं एंड जो उनके ओपनर हैं वो ट्रेविस हेड हैं। तो जो ऑजी माइंड सेट है वही चल रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का एंड ऑजी माइंड सेट वी ऑल नो दैट ग्रेट है भाई, ग्रेट। और हम एशियन ना उसके पास भी नहीं जा सकते, पता नहीं, खैर होना चाहिए, हमें भी इतना ज़्यादा अपने आप को केपेबल एंड स्किलफुल बनाना चाहिए, बट नहीं कर सकते हम। पता नहीं क्यों, क्या है, कुछ फ्लॉ है हमें, क्या है पता नहीं, बट ऑजी माइंड सेट इज़ जस्ट ट्रेमेंडस। तो भाई ट्रेविस हेड ने भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग स्टार्ट लिया एंड रिकॉर्ड बनाया पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन का एंड कुछ 200 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट भी चल रहा है इस IPL में एंड बहुत ज़्यादा बीस्ट फॉर्म में, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बीस्ट फॉर्म में एंड 89 रन उन्होंने बनाया ऑन जस्ट 32 डिलीवरीज के बाद। शहबाज अहमद ने है कि 59 नॉट आउट के नहीं खेली ऑन जस्ट 29 डिलीवरीज एंड अभिषेक शर्मा डिड ऑल्सो वेल विद अलॉन्ग विद ट्रेविस हेड, मतलब उन्होंने ओपन किया था ट्रेविस हेड के साथ एंड ट्रिमेंडस बैटिंग एफर्ट बाय सनराइजर्स हैदराबाद। एंड बॉलिंग के हवाले से भी मैं ये कहूँ कि भाई स्टार्ट से ही दे स्टार्टेड डोमिनेट, दो विकेट गिर चुकी थी दिल्ली की, बट इसके बाद अच्छा कमबैक किया। ऋषभ पंत डिड वेल, अभिषेक पौरल डिड वेल एंड भाई जो इंपैक्ट प्लेयर थे जैक फ्रेसर मैकगर्क, होप मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही, बट ही वॉज ट्रिमेंडस भाई। इसने वर्ल्ड IPL की हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट 50 स्कोर कर ली है एंड दैट टू अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद की भी बॉलिंग अच्छी है, देयर इज पैट कमिंस एंड और भी खैर अच्छे उनके पास बॉलर हैं एंड बॉलिंग की अगर बात करें तो भाई नटराजन कुछ है कि लोकल बॉलर ही हैं एंड ही परफॉर्म वेरी वेल। 19 रन उन्होंने कंसीड किए इन 4 ओवर, इस पहले 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सो ट्रिमेंडस खैर लिटरली बहुत ही अच्छी बॉलिंग एफर्ट उन्होंने डाली है अपनी टीम के लिए एंड इसके बाद है कि रेड्डी जो नीतीश कुमार रेड्डी साहब उन्होंने भी है कि अच्छी बॉलिंग कराई है, बट वही बात है कि भाई गेम पावर प्ले में ही एंड कर दी थी ट्रेविस हेड ने एंड राइटली है कि उसको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, तो ही ट्रूली डिजर्व एंड पावर प्ले में ही मैच कम था। और आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स खैर जो उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, आई थिंक वही गलत था, बिकॉज सनराइजर्स हैदराबाद की आप देख रहे हो क्या उनकी चल रही है, वो पहले बैटिंग करके इतना जॉइंट टोटल लगाते हैं कि भाई दूसरी टीम के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो आई थिंक टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी ताकि सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा सा है कि वाइल्ड चेजिंग और है कि बड़ा उनको टारगेट लगाना चाहिए था ताकि वाइल्ड चेजिंग है कि थोड़े से अंडर प्रेशर भी आते सनराइजर्स हैदराबाद वाले। तो आई थिंक ये जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला था ये भी खैर गलत था और वो भी सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। और वही बात है, अगेन हम कहेंगे भाई 25 पिचेस पता नहीं किस तरीके की बना लें, भाई समझ नहीं आ रहा क्यों इस तरीके की पिचेज हैं आज। कुछ खैर डेल सेन का भी कुछ है कि आया है कुछ स्टेटमेंट वगैरह आया है कि वो कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस दौर में बॉलिंग नहीं करवा रहा, यानी इन पिचेस पे बॉलिंग में नहीं करवा रहा एंड
मैं ये बहुत लकी हूँ एंड ऑल। तो नहीं करो भाई, क्यों इस तरीके से बोल रहे, इसकी खबर बनाने पे तुले हुए हो तुम लोग तो लिटरली। ये अच्छी सपोर्टिंग पिचेस बनाओ या भाई, अच्छे मैचेस देखने को मिले, बॉलर्स डोमिनेट करें, अच्छे बॉलर्स डोमिनेट करें, अच्छे बैटर्स डोमिनेट करें। ये क्या जस्ट बैटर्स की गेम ही बना के रख दी है। तो मैं खैर इस चीज़ को नहीं, मुझे अच्छा लगता और मैं नहीं इसको इंजॉय करती। खैर ओवरऑल इट वॉज वन साइडेड अफेयर। सनराइजर्स हैदराबाद है कि एक भारी मार्जिन से जीती है, नंबर सेकंड स्पॉट पे वो आ चुके हैं इन पॉइंट्स टेबल, एंड नंबर सेवन पे चला गया है दिल्ली कैपिटल्स। सो लेट्स सी कल का, बाय द वे आरसीबी का मैच है वर्सेस केकेआर, सो देखते हैं कि अब कौन जीता है। लास्ट मैच में तो केकेआर जीत गया था, अब कौन जीतता है। और वही है कि होलसम मूवमेंट्स अगेन देखने को मिलेंगे बिटवीन गंभीर एंड कोहली। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।